जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, और आसान होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में हम इनमें कुछ गलतियां कराते हैं। तो यदि सावधानी से नहीं पढ़ते प्रश्न को तो हम कुछ गलती कर देते हैं, तो उस सावधानी के लिए हम आपको कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। आप भी अभ्यास करिए, आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं क्या है प्रश्न। तो देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट दी होती है कि ये एक साइन है और इसके बाईं तरफ दो शब्द दिए हैं, उन दोनों शब्दों में कोई एक रिलेशन है, और दाईं तरफ एक शब्द दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है। उस क्वेश्चन मार्क को हमने, हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं उनको बाई तरफ के रिलेशन को देखते हुए सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है, कब समय, कब यानी ये पूछा जाए कि आप कब आए, कब का मतलब तो ये बताया जाएगा कि हम 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, यानी समय की बात हो रही है। कब का रिलेशन समय से है, कहाँ, अब ये कहा जाए आप कहाँ से आए, कहाँ यानी आप जगह बताओगे, कोई किसी शहर का नाम बताओगे और वह शहर क्या कहलाएगा, जगह कहलाएगी। तो कब का रिलेशन समय के साथ है, वैसा ही कहाँ का रिलेशन किसके साथ होगा, जगह, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो नदी, बांध और यातायात, नदी पर जो बांध बनाया जाता है उसका काम क्या होता है कि वह बांध जो नदी में धारा बहती है उस धारा को नियंत्रित करता है, कम या ज़्यादा करता है। कई बार हमें उसको कम करना पड़ता है और कई बार ज़्यादा करना पड़ता है, यानी उसको नियंत्रण में रखता है क्या, बांध, किसको, नदी की धारा को। तो यातायात यानी जो सड़क पर यातायात चल रहा है उसको नियंत्रित कौन करेगा, संकेतक, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब है अगला भोजन, मीनू, आप किसी होटल पर जाओ तो वहाँ पर भोजन का मीनू दिया होता है, अर्थात हमारे होटल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, वह एक मीनू तैयार रखते हैं। तो पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकें, लाइब्रेरियन, सारणी या सेल्फ, देखो पुस्तकें भी होंगी, लाइब्रेरियन भी होंगे, सारणी भी होगी और सेल्फ यानी आप वहाँ पर कोई काम ऐसे ही कर सकते हो। तो देखो भोजन का रिलेशन मीनू के साथ क्या है कि भोजन की एक लिस्ट है, तो पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकों की एक लिस्ट होगी, अर्थात सारणी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, उसने इसमें क्या दिया, देखो भेड़ और ऊन, यानी भेड़ हमें क्या प्रदान करती है, ऊन प्रदान करती है, तो वैसे ही रेशम का कीड़ा है उससे हमें क्या प्राप्त होगा, रुई नहीं होगी, धागा भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, क्या प्राप्त होगा, रेशम प्राप्त होगा। अगला है धान, चावल, यानी जो धान है उस धान को जब हम एक मशीन के द्वारा पिराई करते हैं या निकालते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें चावल मिल जाता है, यानी धान के छिलकों को जब हटाया जाता है तो उसके अंदर क्या मिलता है, चावल मिलता है, दूध, दूध से हमें क्या क्या मिलता है, देखो दवाई नहीं मिलती, जहर भी नहीं मिलता है, न राशन मिलता है, क्रीम बनाई जाती है इससे, तो क्या हो गया, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चावल का जो संबंध धान से है वही क्रीम का संबंध किससे है, दूध से है। 14वां प्रश्न है समारोह, थिएटर, यानी जो थिएटर है उसमें समारोह किए जाते हैं या समारोह कहाँ किए जाते हैं, थिएटर में, तो भोजन कहाँ मिलेगा हमें, इसमें देखते हैं पार्टी में, रात्रिकालीन भोजन है या होटल है या दोपहर का भोजन है, तो समारोह, थिएटर में समारोह किए जाते हैं। तो देखो एक बड़ा, वैसे भोजन तो हमें पार्टी में मिलता है, शाम को भी मिलता है, दोपहर को भी मिलता है, लेकिन थिएटर में समारोह होते हैं, यानी एक बड़े एरिया का या बड़े समूह का आवास करा रहा है, तो भोजन बड़े समूह में हमें कहाँ पर मिलेगा, होटल में मिलेगा, तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, समझ लिया भाई, वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।